दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को जरा आप देखें। एक पत्रकार है जो अमित शाह की रैली में पहुंचे और इनकी गलती सिर्फ इतनी हो गई कि इन्होंने सच बता दिया कि वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। उसके बाद होता यह है कि वहां पर बीजेपी के कुछ लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पर यह आपको हाथापाई देखने को मिला है। मैं आपको सबसे पहले जो पत्रकार है वो बता रहे हैं कि मैं अमित शाह की रैली में गया और उसके बाद मैंने देखा कि कुछ कुर्सियां खाली है, वो मैं कवर कर रहा था, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के कुछ लोग आते हैं और क्या कुछ हुआ है, ये पत्रकार क्या बता रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आयर मार्केट के निकट अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मैं कवरेज करने के लिए मौके पर गया था और वहाँ अमित शाह का कार्यक्रम शूट करने के बाद कैमरे के अंदर जब मेरी नज़र पीछे गई पब्लिक के बीच में, तो वहाँ 10 20 50 कुर्सियाँ मुझे खाली नज़र आईं। तो मैं उधर का वीडियो बनाना चाहा, अपना कैमरा मैं उधर घुमाया और वहाँ अपना बाइस करते हुए मैं खाली कुर्सी के पास गया। वो खबर दिखाने का मेरा ये पर्पज था कि कड़ी तपती हुई धूप में वाराणसी में अमित शाह जी के कार्यक्रम में भी लोग कम आ पाए, जिसका कारण था तपता धूप और भीषण गर्मी। इतने में कुछ दबंग तरह के बीजेपी के कार्यकर्ता मेरे सामने आए और उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे करते करते हमसे कार्यकर्ता काफ़ी एकत्रित हो गए और हाथापाई होने लगा। तो वीडियो देख लिया आपने, यही अमित शाह की रैली में कुछ दिन पहले द मॉलिटिक्स के एक पत्रकार पहुंचे थे और उनको कितना बुरी तरीके से मारा गया था, ये खबर आपने सुनी। वो पत्रकार खुद बता रहा था कि मुझे 150 करीब घूसे मारे गए, 100 से 150 घूसे मारे गए और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ये आपने देखा। लेकिन उसके बाद अमित शाह की ये एक और रैली है जिससे एक और खबर निकल कर सामने आई है। जो पत्रकार वहां पर कवर कर रहा था उस रैली को, जिसने बताया जा रहा है कि अमित शाह की सभा में खाली कुर्सियां बताना पड़ गया महंगा, पत्रकारों से हुई हाथापाई और उसके बाद छीन लिए गए कैमरे, मिटा दिए गए वहां के जो विजुअल थे, जो विजुअल इसने रिकॉर्ड किया था उसका कैमरा फोन छीन लिया गया, जिसके बाद जो विजुअल उसने रिकॉर्ड किया उसे मिटा दिया गया, हाथापाई तक हुई। बताया जा रहा है कि चंदौली लोकसभा सीट पर अमित शाह की रैली हो रही थी उस सीट के लिए, जहां पर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और पत्रकार ने जैसे ही सच दिखाना शुरू किया, वो खाली कुर्सियां दिखाना पत्रकार ने शुरू किया। इसके बाद होता यह है कि बीजेपी के कुछ लोग आते हैं, पत्रकार बता रहा है कि मेरे साथ हाथापाई तक हुई है। इस खबर को देखिए किस तरीके से ट्वीट किया गया, प्रेम कुमार ने इस खबर को ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखता है ये आप देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब कुछ दिन बाद अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो हो सकता है ऐसा कि लोग जो है, जो सच्चे पत्रकार है, जो मुद्दों को दिखाते हैं, जो सच बोलने और दिखाने का काम करते हैं, वो बीजेपी के रैलियों में जाना बंद कर दे, क्योंकि जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले भी आप देख चुके हैं और उसके बाद ये आपको दोबारा देखने को मिला है। तो ऐसी कुछ खबरें थी जो निकल कर सामने आई अमित शाह की रैली से। ये जो अपडेट था, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।